डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग चाह रहे थे कि स्टैटिक्स की पढ़ाई हो और विद्यार्थियों को असुविधा हो रही है सीजी पढ़ने में, तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स का जब फंडामेंटल किसी को नहीं आता है तो आगे के चैप्टर्स जो हैं उसको स्टडी करने में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए पैरेलल फोर्सेज और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज, लामिस थ्योरम, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज, ये सभी जल आवश्यक पड़ती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि दो फोर्सेस यदि P1 P2 है तो उसका रिजल्टेंट R बराबर इतना दिया जाता है, R इज इक्वल टू इतना लिखा जाता है, अंडर रूट P1 square, अंडर रूट, देखिए ये इतना होता है अंडर रूट P1 square प्लस P2 square प्लस P1 P2 cos अल्फा, ये इतना के बराबर होता है। ये दो फोर्सेस P1 और P2 का रिजल्टेंट होता है, जहां अल्फा जो है P1 और P2 के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का एंगल है। तो यदि लाइन ऑफ यहां पर अल्फा यदि जीरो हो जाएगा तो जीरो का मतलब हो गया कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, और उस स्थिति में अल्फा का मान जीरो होता है। देखिए, यदि फोर्सेस इस प्रकार से हो गए, ऐसे हो गए, तो ये बीच का कोण 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री हो गया तो यहां जैसे ये P1 और P2 ऐसे हो गया, तो यहां पर लाइन ऑफ एक्शन जो है ओपोजिट हो जाता है, और जीरो डिग्री के केस में लाइन ऑफ एक्शन इस प्रकार का हो जाता है, ये जीरो डिग्री का केस है। तो जब कॉस अल्फा का मान, ये अल्फा का मान जब जीरो डिग्री होगा तो यहां आर का जो वैल्यू है वह इतना आ जाएगा। देखिए, ये R का मान यहाँ पर P1 square प्लस P2 square प्लस 2 P1 P2 इतना आ जाएगा, P1 P2, और इसका मान यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये वैल्यू P1 प्लस P2 हो गया, अल्फा इज इक्वल टू जीरो के केस में। तो जब अल्फा जीरो होगा तो P1 और P2 का डायरेक्शन पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल भी होगा तो एक ही डायरेक्शन में होगा, उस समय रिजल्टेंट का मान मैक्सिमम होगा P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो दो पैरेलल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वह P1 प्लस P2 होता है। अब P1 प्लस P2 ये रिजल्टेंट जो हुआ उसका लाइन ऑफ एक्शन कहां पर होगा ये आपको डिसाइड करना है। तो देखिए, मैं एक फिगर बनाया हूं, उस फिगर को आप ध्यान से देखिए। एक पॉइंट पर एक फोर्स P1 लग रहा है और बी पॉइंट पर एक फोर्स P2 लग रहा है, जिसका लाइन ऑफ एक्शन BN है,
और P1 का लाइन ऑफ एक्शन AG है, AG और BN दोनों पैरेलल फोर्स हैं, तो निश्चय ही इसका जो रिजल्टेंट होगा वह P1 प्लस P2 होगा। तो एक बात और थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूं, जैसा कि आप वेक्टर में आप पढ़े होंगे कि ये लाइन यदि वेक्टर P1 को बता रहा है तो इसका दुगना लाइन जो होगा डबल लेंथ का, तो यह 2P1 को बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड बताएगा 2P1 यदि यह P1 है तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं वह मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा जो आप फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वह डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यदि फोर्स बड़ा है तो आप बड़े लाइन से डायरेक्टेड होगा, यदि फोर्स छोटा है तो छोटे लाइन से वह डायरेक्टेड होगा। तो यहां देखिए कि AG लाइन जो है वह बड़ा है और BN लाइन जो है वह AG की तुलना में छोटा है, तो यह इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स P1 जो है वह फोर्स P2 से बड़ा है, दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है। तो इन दोनों फोर्स P1 और P2 का रिजल्टेंट P1 प्लस P2 होगा, जिसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। एक पॉइंट पर एक फोर्स S लगाया जो लेफ्टवर्ड है और बी पॉइंट पर भी एक फोर्स S लगाया जो राइटवर्ड है, इसको चूंकि ये दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में और ओपोजिट है, इसीलिए रिजल्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर हमने AGDH पैरेललोग्राम पूरा कर दिया और वहां भी BNEN पैरेललोग्राम पूरा कर दिया, तो यह B जो हो गया यह S और P2 का रिजल्टेंट हो गया, यहां P1 और S का रिजल्टेंट AB हो गया, यह रिजल्टेंट हो गया। अब हमने क्या किया कि DA रेखा को आगे बढ़ाया और EB रेखा को भी इधर बढ़ाया, इस डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में बढ़ाया और दोनों जाकर के O बिंदु पर मिल जाते हैं। तो O बिंदु पर आप क्या करें, ये जो लाइन है यह लाइन रिजल्टेंट AD को तो नहीं बता रहा है, यह रिजल्टेंट तो AD लाइन के द्वारा इंडिकेटेड है, लेकिन AO लाइन जो है वह रिजल्टेंट के डायरेक्शन को बता रहा है। यदि इसका हम रिजल्टेंट यहां पर R1 से लिखें, इसका रिजल्टेंट यदि हम R1 से लिखते हैं, ये R1 और इसका रिजल्टेंट हम R2 से लिखते हैं, तो ये R2 का लाइन ऑफ एक्शन है, ये R2 का लाइन ऑफ एक्शन बताएगा और ये R1 का लाइन ऑफ एक्शन बताएगा। ऐसा नहीं है कि ये OA रेखा जो है रिजल्टेंट R1 को बता रहा है, वैसा नहीं है, केवल डायरेक्शन को, लाइन ऑफ एक्शन के रिजल्टेंट को बता रहा है। अब क्या किया हमने कि OA के डायरेक्शन में जो ये रिजल्टेंट R1 है उसको हमने दो भागों में ब्रेक कर दिया। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ AB रेखा जो है तो यहाँ AG के पैरेलल हमने एक रेखा खींचा जो AB को C बिंदु पर काटता है। हमने क्या किया,
कि ए जी अथवा बी एन के पैरेलल ओ से एक रेखा खींचा जो ए बी को सी बिंदु पर काट रहा है। तो ऐसा यहां पर करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ओ ए रेखा ये आर वन के मैग्नीट्यूड को नहीं बता रहा है, केवल डायरेक्शन को बता रहा है। अब इस डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स है, दो फोर्स है पी वन और एस, तो इस बिंदु पर ओ बिंदु पर हमने एक हॉरिजेंटल रेखा खींचा और उस हॉरिजेंटल रेखा के अलोंग इस आर वन को रिजोल्व किया, तो एक रिजोल्यूशन एस होगा और इधर रिजोल्यूशन हॉरिजेंटल में एस टू होगा। इसका यहां जो हमने ओपोजिट फोर्स लगाया था उसका यदि हम रिजोल्यूशन यहां पर करें तो एक रिजोल्यूशन ये इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा रिजोल्यूशन इसके पैरेलल होगा। तो ये पी वन आएगा ये एक रिजोल्यूशन और इसको रिजोल्व करेंगे तो यहां पर पी टू आएगा। तो ये बता रहा है कि ओसी के डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स लग रहा है पी वन और पी टू, और इसीलिए दोनों का यह सम जो हो गया पी वन प्लस पी टू हो गया। अब आपको देखना है कि सी का पोजीशन क्या है, यानी दोनों जो पैरेलल फोर्स है तो दोनों इक्वल तो है नहीं, दोनों यदि इक्वल होता तो उसका रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन ए बी का मिडिल पॉइंट होता, लेकिन चूंकि दोनों फोर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं इसीलिए सी का पोजीशन ए बी का मिडिल पॉइंट नहीं होगा। तो क्या होगा उसका सी का पोजीशन निकालने के लिए आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल पर विचार करें। ट्रायंगल देखिए यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी जी, ए डी जी एंड ट्रायंगल ए सी ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ ए सी आर सिमिलर, आर सिमिलर, आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, सिमिलर हैं। तो आप जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। सिमिलर इसलिए है कि देखिए ये पैरेलल है और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इससे मिल रहा है, इसीलिए ये एंगल बराबर ये एंगल होगा और ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। सो देयरफॉर या सो आप लिखें, सो क्या होगा ओसी, ओसी अपॉन एजी, अपॉन एजी इज इक्वल टू होगा एसी अपॉन डी जी या जी डी, जी डी ये होगा। अब आप यहां पर देखें कि ओसी, ओसी दिस इंप्लाइज आप ओसी को यहां पर छोड़ दें, ओसी और डिवाइडेड बाय एजी, एजी जो है ये फोर्स पी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसीलिए आप पी वन लिख देंगे, और एसी, एसी को आप जो का त्यों लिखें एसी, और जीडी, जीडी जो है यह वेक्टर फोर्स एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार आप यहां पर इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं
दिस इंप्लाइज ओ सी इंटू एस बराबर ए सी इंटू पी वन, इस निष्कर्ष पर आ गए। और पुनः आप देखें तो ट्रायंगल ओ जी बी और ट्रायंगल बी एन ई ये दोनों यहां पर सिमिलर हैं, तो यहां पर लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल बी एन ई आर सिमिलर सो यहां पर भी आप लिख सकते हैं OC बटा BN इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं CB upon NB ये लिख सकते हैं। एंड दिस इंप्लाइज यहां पर ये लिख सकते हैं ओसी को आप छोड़ दीजिए, ओसी को रहने दीजिए और बीएन जो है वह फोर्स पी टू को मेजर करता है, इसलिए आप पी टू लिखा जाएगा। और यहां पर फिर सी बी इसको आप छोड़ दें सीबी को, और नीचे डिनोमिनेटर में एनबी लिखा है एनबी यह वेक्टर यह फोर्स पी टू को बता रहा है, एक मिनट बी एन यहां पर गलती लिखा गया है ओसी अपॉन बी एन ठीक और सी बी अपॉन एन ई होगा, ये सॉरी ये रॉन्ग होगा एन ई ये एन ई होगा, तो एन ई का मेजरमेंट यहां पर एस के बराबर है, यहां ये एस के बराबर है, तो यहां से इक्वेशन मिल गया आपको OC into S का वैल्यू हो गया यहां पर CB अब इंटू पी टू इतना हो गया। अब यहां पर इसको आप एक निशान लगा दें वन और इसको निशान लगा दें आप दो, तो एक और दो से आप क्या पाते हैं, आप बहुत आराम से इसको बढ़िया से देख लें कि ये दोनों इक्वेशन जो है ओसी इंटू एस, तो एक और दो से फ्रॉम वन एंड टू वी कैन राइट एस देखिए From one and two, we can write as, यहां लिख सकते हैं एक और दो से, तो एक और दो से आप इतना लिख सकते हैं एसी और इंटू पी वन इज इक्वल टू सीबी
सी बी इंटू पी टू। इस रिलेशन को बहुत ही आप ध्यान से देखना चाहिए आपको कि दो पैरेलल फोर्स में जो सी का पोजीशन होता है उसमें ए सी और इंटू पी वन और सी बी इंटू पी टू ये बराबर होता है। मैंने आप लोगों को फेसबुक पर इंटरमीडिएट के किताब का फोटो कॉपी भेजा था, उसमें जो रिजल्टेंट निकाला गया है पैरेलल फोर्स का और जो पोजीशन लिखा गया है वह पोजीशन इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है और वह गड़बड़ी है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर रिजल्टेंट जो है सी उसका पोजीशन ए सी इंटू पी वन और सी बी इंटू पी टू द्वारा मिलेगा। इस बात को आप सदा ध्यान रखें और इसके आगे मैं थोड़ा अभी मोमेंट के बारे में बता रहा हूं। मोमेंट क्या चीज है, देखिए देखिए मैं अब आप लोगों को मोमेंट के बारे में बताता हूं। आपने दो टर्म पढ़ा होगा, एक मोमेंट और दूसरा टॉर्क। तो मोमेंट डिफाइन करते हैं, मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस मोमेंट एम मोमेंट वेक्टर को ये आर क्रॉस एफ से डिफाइन करते हैं, आर क्रॉस एफ से डिफाइन करते हैं। यदि ये कोई फोर्स है इस डायरेक्शन में और ये देखिए इस डायरेक्शन में कोई यहां पर वेक्टर है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन इसको आप मान लें, यहां पर ओरिजिन है, ऐसे आप इस प्रकार से ले लें, ये ऐसे वेक्टर है, ये आर आर वेक्टर ऐसे और ये एफ वेक्टर है। तो यहां पर बीच का एंगल यदि थीटा है तो ये यहां पर आर क्रॉस एफ से मोमेंट डिफाइन होता है और आप जानते हैं आर क्रॉस एफ का जो डायरेक्शन होता है वह डायरेक्शन एफ और आर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। यहां जब थीटा का मान यहां पर वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर एफ और इंटू साइन थीटा, ये मॉड एम की वैल्यू होगी। यदि इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो आर एफ साइन थीटा होगा। यदि थीटा 90 डिग्री होगा तो ये वैल्यू सिर्फ आर एफ होगा, आर एफ होगा। यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तब थीटा यदि 90 डिग्री हो तो ये मोमेंट का वैल्यू आर एफ होगा, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में है ऐसे और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये वेक्टर। तो मोमेंट जो होगा इसका वह ये एफ और आर के मैग्नीट्यूड का यहाँ पर केवल प्रोडक्ट हो जाएगा आर एफ। तो मोमेंट जो होता है एक रोटेशन पैदा करता है और यह स्टैटिक मोमेंट जो होता है स्टैटिक होता है और टॉर्क जो होता है वह डायनेमिक होता है। जैसे जब कोई ये रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उस रोटेशन में टॉर्क शब्द प्रयोग होगा। और यदि मूवमेंट ये यदि मूवमेंट ये रोटेशन नहीं हो रहा है तो वहां पर मोमेंट शब्द प्रयोग होगा। तो मोमेंट बराबर होता है यहां पर देखिए इस प्रकार से आप कह सकते हैं
कि इसका सही डायग्राम आपको इस प्रकार से होगा। ये मान लेते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये कोई ऐसे फोर्स लग रहा है, ये ऐसे कोई फोर्स है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू कोई बॉडी जो रोटेट कर रहा है, तो यहां पर कोई फिक्स्ड पॉइंट है, तो यहां से ऐसे हम परपेंडिकुलर डालेंगे और यह परपेंडिकुलर यदि यहां पर वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करता है तो ये आर क्रॉस एफ जो होता है यह मोमेंट होता है। तो आर इंटू एफ को हम मोमेंट कहते हैं। तो ये मोमेंट का वैल्यू ज्योमेट्रिकली कितना होगा, तो देखिए ज्योमेट्रिकली इसका वैल्यू आप यहां से देखें कि मान लेते हैं कि यहां पर कोई फोर्स ऐसे पी जो ए बी के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है और ओ के पलटा आपको मोमेंट डिसाइड करना है, तो यह मोमेंट जो है ओ के पलटा मोमेंट लेंगे तो ये मोमेंट कितना आ जाएगा। तो देखिए ये मोमेंट जो है ये ए बी आर इंटू ओ डी के बराबर होगा। तो मोमेंट जो लेंगे, मोमेंट का वैल्यू होगा मोमेंट ये मोमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी आर इंटू ए बी इंटू ओ डी। और ए बी का वैल्यू यदि एफ है और ओ डी का वैल्यू ये आर हो गया, तो एफ आर ये मोमेंट हो गया। और यह आप जानते हैं कि टू ट्रायंगल ओ ए बी के बराबर है, टू इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। मोमेंट का जो ज्योमेट्रिकल वैल्यू होता है वह ये जो फोर्स का जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है और जिसके पलटा आप मोमेंट ले रहे हैं वह लंबी दूरी दोनों के गुणनफल से मेजर होता है। तो यहां पर एफा जो है वह टू ट्रायंगल एरिया ओ ए बी के बराबर है। तो यही यहां पर देखिए वो वेरिग्रन थ्योरम हम लगा रहे हैं कि वेरिग्रन थ्योरम कहता है, देखिए ये वेरिग्रन थ्योरम है, वेरिग्रन देखिए एक थ्योरम है मोमेंट में, उसको कहते हैं वेरिग्रन्स थ्योरम ये बोलते हैं, वेरिग्रन थ्योरम। तो ये कहता है कि जो मोमेंट है इंडिविजुअल फोर्सेस का वह रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होता है। तो देखिए यहां पर दो फोर्सेज है, एक फोर्स P है और एक फोर्स Q है। अब P और Q का रिजल्टेंट यहां R है, तो R का मोमेंट और P और Q के एल्जेब्रिक सम का मोमेंट बराबर होगा। तो देखिए ये कैसे होगा, आप यहां पर देख रहे हैं कि P का जो मोमेंट है या P का मोमेंट O के अबाउट इस ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ओ ए बी के एरिया का दुगना होगा। देखिए मोमेंट ऑफ पी अबाउट ओ के अबाउट पी का मोमेंट कितना होगा अबाउट ओ, तो यह होगा
इनटू ट्रायंगल ए ओ ए बी, ओ ए बी इस ट्रायंगल के एरिया का दुगना होगा मोमेंट, बी का जो मोमेंट होगा ओ के वाउ वह ट्रायंगल ओ ए बी के एरिया का दुगना होगा। फिर आप निकालेंगे मोमेंट, मोमेंट ऑफ पी मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट ओ, अबाउट ओ तो यह मोमेंट कितना के बराबर होगा, तो इतना के बराबर होगा देखिए टू इंटू ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए डी इसके एरिया का यह दुगना होगा। क्यू का मोमेंट ओ के अबाउट ट्रायंगल ओ ए डी के एरिया का दुगना होगा। अच्छा फिर मोमेंट, फिर निकालेंगे मोमेंट, मोमेंट ऑफ आर अबाउट, अबाउट ओ तो आर का मोमेंट क्या होगा, तो आर से रिलेटेड जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए सी, ओ ए सी के एरिया का दुगना होगा। टू ट्रायंगल ओ ए सी इसके बराबर होगा। अब आप यहां पर देखें टू ट्रायंगल ओ ए सी इतना के बराबर हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर टू और ट्रायंगल, यहां पर ट्रायंगल ओ ए सी को ब्रेक करते हैं, ओ ए सी यानी ये ट्रायंगल ओ ए सी, ये सॉरी ये ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए सी नहीं ओ ए डी, ओ ए डी और प्लस यह ट्रायंगल हो जाएगा ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी इसके बराबर। ये बहुत इजीली देख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए सी का वैल्यू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए सी बराबर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए डी प्लस ट्रायंगल ए डी सी। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू टू इंटू ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए डी और इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप यदि ध्यान से देखें तो यह समानांतर चतुर्भुज का यह आधा है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी इसके बराबर, ट्रायंगल ए बी सी के बराबर है। और पुनः यदि आप यहां देखें तो दिस इज इक्वल टू टू ट्रायंगल ओ ए डी, ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी प्लस ए बी सी जो ट्रायंगल है, तो आप देखें कि एक ही आधार और एक ही आधार पर बने दो समानांतर रेखाओं के बीच का ट्रायंगल ओ बी सी तथा ए बी सी तथा ए बी ओ ये दोनों बराबर है, तो आप लिखेंगे दिस इज इक्वल एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए ए ओ ए बी, ओ ए बी इसके बराबर है। अब आप देखें ओ ए बी और ओ ए डी, तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू टू ट्रायंगल ओ ए डी प्लस टू ट्रायंगल, टू ट्रायंगल ओ ए बी
ये इसके बराबर हो। अब ओएडी क्या है, तो ओएडी है मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट ओ, और ओएबी क्या है, तो वह मोमेंट ऑफ पी अबाउट ओ है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू मोमेंट मोमेंट ऑफ पी अबाउट ओ प्लस, यहां पर क्यू होगा, क्यू प्लस मोमेंट ऑफ क्यू मोमेंट ऑफ पी अबाउट ओ, और ये इस प्रकार से वैरीगनन थ्योरम सिद्ध हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल फोर्सेस का मोमेंट होता है वह रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होता है। यदि बहुत सारे फोर्स दिए गए हैं तो उन सभी फोर्सेस का मोमेंट्स लें और उनका एल्जेब्राइक सम लें, तो वह एल्जेब्राइक सम रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट के बराबर होगा। यह वैरीगनन थ्योरम ऑफ मोमेंट कहते हैं। तो इसमें आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि टॉर्क और मोमेंट में अंतर होता है, मेजरमेंट में या फॉर्मुलेशन में कोई अंतर नहीं है, फॉर्मुलेशन एक ही है, लेकिन मोमेंट वर्ड जो हम यूज करते हैं वह स्टैटिक केस में करते हैं, जबकि टॉर्क जो रोटेट करने वाली क्वांटिटी है वह हम यूज करते हैं रोटेशनल मोशन में। तो यहां स्टैटिक्स में हम मोमेंट शब्द यूज करते हैं। यह मोमेंट जो है घुमाव पैदा करने की टेंडेंसी रखता है, घुमाव करता नहीं है, केवल टेंडेंसी रखता है, स्टैटिक में रखता है, इसलिए इसका नाम मोमेंट है। जबकि टॉर्क जो है घूमती हुई वस्तु पर अप्लाई होता है और वह हमेशा रोटेशन में रहता है और टॉर्क लगते रहता है। यदि टॉर्क किसी वस्तु पर लग रहा है तो उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे किसी गतिमान वस्तु पर बल लगता है तो बल लगने से उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसी प्रकार से यदि रोटेशनल बॉडी पर यदि टॉर्क लग रहा है तो उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन आप उसमें यह नहीं कह सकते हैं कि मोमेंट लग रहा है, मोमेंट स्टैटिक्स का वर्ड है, जबकि टॉर्क जो है वो डायनेमिक्स का वर्ड है। यही दोनों में अंतर है। तो मैंने ये जो वैरीगनन थ्योरम बताया यह फिर ए नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए भी अप्लाई होगा। यदि बहुत सारे फोर्स दिए गए हैं और उनका रिजल्टेंट आर है तो आर का मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे हम ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया है पी और क्यू का, तो पी का मोमेंट एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी के बराबर हो गया, क्यू का मोमेंट ट्रायंगल ओ ए डी के एरिया के बराबर हो गया, और रिजल्टेंट का मोमेंट जो हो गया ट्रायंगल ओ ए सी के एरिया के बराबर हो गया। मोमेंट जो होता है वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। वो ट्रायंगल जैसे आप इसको ठीक से समझ ले कि जैसे देखिए देखिए मान लेते हैं कि ओ है ये पॉइंट और ये फोर्स है, ये फोर्स है। अब इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लेना है, तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे सीधे, और यह परपेंडिकुलर यदि आर है
अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट जो हुआ वह एफ इंटू आर हुआ, एफ इंटू आर यही मोमेंट हुआ। तो यह एफ आर कितना के बराबर है, तो निश्चय ही यहां से ऐसे आप मिला दें और इसको ऐसे मिला दें, तो यह जो ट्रायंगल बन गया ओ ए बी, तो यह ओ ए बी जो ट्रायंगल बना, तो यह ट्रायंगल का एरिया एफ इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि यह आधार हो गया और यह हाइट हो गया। तो एफ आर जो है एरिया ऑफ द ट्वाइस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी के बराबर है। तो यह वेरिगनन्स थ्योरम कहलाता है। तो वेरिगनन्स थ्योरम आप कह सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो यही वेरिगनन्स थ्योरम कहलाता है। और यह वेरिगनन्स थ्योरम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमेशा यही अप्लाई होता है, हमेशा हमें मोमेंट लेना पड़ता है। तो अब जो सीजी की बात है, मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगा कि सीजी कैसे निकालते हैं, निकालने के क्या उसके तरीके हैं। तो इस वीडियो में बस आप इतना इन सारी बातों को ध्यान में रखें, आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।